नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरल फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। उसमें हमारा टॉपिक है आज बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पांस। जैसे कि हमने कल कवर किया था ऑल्फेक्शन यानी स्मेल और मेमोरी, उसका हम क्विक रिकैप देख लेते हैं। स्मेल कोई स्टिम्युलस आई, अच्छी या बुरी, जैसे कि कल हमने वैलेंटाइन रोज का एग्जाम्पल लिया था। आज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ खारा, कुछ जलने की बू आ रही है। वो जलने की बू ने मेरे ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियल सेल्स को क्या किया, स्टिम्युलेट किया। ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियल सेल्स मेरे क्या हो गए, स्टिम्युलेट हो गए। उसने किसको स्टिम्युलेट किया, ऑल्फैक्शन नर्व को। उसको उसने ऑल्फैक्शन नर्व को स्टिम्युलेट किया, उसने सिग्नल्स भेजे कहाँ, अप टू द नेसो कैविटी, इथेमोइड बी अप टू इथेमोइड बोन इन नेसो कैविटी। और वहां से मेरा क्या जनरेट हुआ, ऑल्फैक्ट्री ब्लोब। ऑल्फैक्ट्री ब्लोब ने क्या किया फिर, ऑल्फैक्ट्री ब्लोब ने ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट के थ्रू उसने जो स्टिमुलस था उसको नीचे भेजा। और वो दो में डिवाइड होता है, एलओएस और एमओएस, लेटरल ऑल्फैक्ट्री स्ट्राया और मीडियल ऑल्फैक्ट्री स्ट्राया। लेटरल ऑल्फैक्ट्री स्ट्राया दो चीजों में जाता है, किसमें, पैराहिपोकैम्पस जाइरस में, और फिर किसमें जाता है, एमेग्लिडा में। पैराहिपोकैम्पस जाइरस का क्या फंक्शन है, याद रखना। तो वो स्मेल मेरे को क्या हो गई, याद रह गई। और एमेग्लिडा के क्या फंक्शन है, इमोशन। वो स्मेल किस टाइम और कैसे इमोशंस क्रिएट कर जाती है, तो वो हमारा हो गया ये। हम क्विक रिकैप पढ़ ले, जल्दी से पढ़ लेते हैं। द स्मेल स्टिम्युलेट द ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियल सेल विद इन द नेसो कैविटी, स्टिम्युलेट द ऑल्फैक्ट्री नर्व, इट गोज बियॉन्ड द इथेमोइड बोन एंड इट एक्टिवेट्स द ऑल्फैक्ट्री बोर्ड ब्लोब। आफ्टर गेटिंग द एक्टिवेशन इट सेंड्स द सिग्नल्स डाउन टू द ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट, एंड ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट डिवाइड्स इन टू एलओएस और लेटरल ऑल्फैक्ट्री स्ट्राया एंड एमओएस मीडियल ऑल्फैक्ट्री स्ट्राया। लेटरल ऑल्फैक्ट्री स्ट्राया गोज टू द टेम्पोरल रीजन ऑफ द ब्रेन एंड टेम्पोरल रीजन पैराहिपोकैम्पस जाइरस इज देयर एंड इट्स मेन फंक्शन इज मेमोरी एंड इट एंड ऑल्सो इट गोज टू द एमिग्डाला, इट्स फंक्शन इज इमोशन। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी क्या होता है, जैसे भी हमारे लिम्बिक सिस्टम में हिपोकैम्पस एक पार्ट है, और हिपोकैम्पस तीन चीज से बना हुआ होता है, यानी इसके तीन पार्ट्स है, ट्यूबिकुलम, पैरा हिपोकैम्पस प्रॉपर। वो क्या है, इफरेंट इंफॉर्मेशन। इफरेंट इंफॉर्मेशन यानी क्या, इंफॉर्मेशन को भेजता है। और डेंटेगाइरस वो क्या, वो तीसरा पार्ट है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन लाता है। तो तीन पार्ट हो गए हिपोकैम्पस के, कौन से, डेंटेगाइरस, सिवेक्यूलम एंड हिपोकैम्पस प्रॉपर। सिवेक्यूलम क्या करता है, सिवेक्यूलम इंफॉर्मेशन भेजता है किसको, सेप्टल एरिया को, और या सेप्टल एरिया एंड हाइपोथैलेमस बाय द पाथवे ऑफ फॉर्निक्स, और बाय द पाथवे ऑफ फॉर्निक्स। ठीक है, ये उधर भेजा। अभी हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के पास। जो मेमोरी बॉडी है हाइपोथैलेमस, वो लेके जाता है किसको, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। वो कहाँ लेके जाता है, सिंगुलेटेड गायरस। सिंगुलेटेड गायरस के पास क्या है, दो पाथवे है। वो क्या करेगा, नीचे ले आएगा इंफॉर्मेशन किसके पास, पीएचजी के पास, यानी पैरा हिपोकैम्पस जायरस के पास। वो पैरा हिपोकैम्पस जायरस भेजेगा इंफॉर्मेशन किसको, डेंटे गायरस को, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्शन। वो कैसे हो पाता है, जो हमारा पैरा हिपोकैम्पस जाइरस से पहले जो, और डेंटे गाइरस के जाने के बीच में गेटवे जैसा आता है, उसको गेटवे को कम हम क्या बोलते हैं, एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स। और दूसरी चीज क्या, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, वो सिंगुलेटेड जाइरस इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है, थिंकिंग हो गई, हमारी पर्सनालिटी हो गई, रीजनिंग हो गए। हम लोग किसी के साथ भी डिबेट में वो आते हैं, या फिर किसी के साथ भी रीजनिंग करते हैं, या फिर हम किसी के साथ भी, हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये सिवेक्यूलम से गया किसके पास, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से गया एंटीरियर
न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस विद द हेल्प ऑफ मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ये जो एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से गया किसके पास, सिंगुलेटेड जाइरस, और सिंगुलेटेड जाइरस के बाद किसके पास आया, पैराहिपोकैम्पस जाइरस, और पैराहिपोकैम्पस जाइरस से फिर वो किसके पास गया, डेंटेगाइरस। ये पूरी सर्किट को हम क्या बोलते हैं, पेपेज सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं, पेपेज सर्किट। ठीक है, द पेपेज सर्किट इज कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी, फॉर सिबेक्यूलम, फ्रॉम सिबेक्यूलम अ पार्ट ऑफ हिपोकैम्पस वी रीच टू द सेप्टल एरिया एंड हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ फॉर्टेक्स पाथवे, एंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इट गोज टू द एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस विद द हेल्प ऑफ मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंड फ्रॉम एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस इट गोज टू द सिंगुलेटेड जाइरस, एंड सिंगुलेटेड जाइरस इज डिवाइडेड इंटू टू वेज, इट सेंड्स द सिग्नल डाउन टू द लिम्बिक लोब एंड रीचेस टू द पैराहिपोकैम्पस जाइरस, एंड इट वुड एंटर्स इनटू द डेंटेगाइरस, यानी एफरेंट इंफॉर्मेशन लाता है, यानी उसके पास इंफॉर्मेशन है, और विद द हेल्प ऑफ एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स, ये याद रखना, ERC, एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स। ये एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स क्लोज होगा तो डेंटेगाइरस के पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ओपन होगा तो आ जाएगी, एंड अदर सिग्नल्स goes to the prefrontal cortex because the prefrontal cortex क्यों जम जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी रीजन करते हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से लेते हैं, इसलिए वो जाता है किसके पास, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। रीजनिंग हो गया, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड मैनी मोर। आपको यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आज अब हम शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक से, बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्स। अभी आप मेरे को ये बताओ कि एमिग्डाला को कैसे पता चलता है कि भाई मैं गुस्से में हूँ, एमिग्डाला को कैसे पता चलता है कि मैं दुखी हूँ, एमिग्डाला को कैसे पता चलता है कि मैं डरा हुआ हूँ। तो बेसिकली तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इमोशनल रिस्पॉन्सेस, तो एमिग्डाला को ये सारी चीजें कैसे पता चलती है। एमिग्डाला को ये सारी चीजें पता चलती है क्योंकि लिम्बिक सिस्टम हमारे लिम्बिक सिस्टम में एमिग्डाला कहाँ है, हमारे एपिसेंटर में। दूसरी चीज, लिम्बिक सिस्टम है हमारे एपिसेंटर में, और हमारी लिम्बिक सिस्टम है इन कम्युनिकेशन विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी जो हमारे जो सेरिब्रम है उसके आउटर लेयर पे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके कम्युनिकेटिंग में है हमारी लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अभी लिम्बिक सिस्टम एमिग्डाला के पास कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि उसको पता चले। पहला हुआ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हमको फंक्शंस पता है, क्या क्या फंक्शंस है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के। प्रीफ्रंटल का कॉर्टेक्स का फंक्शंस है डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, थिंकिंग, और ये सारे थॉट प्रोसेसेस में इंक्लूड है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। फिर सेकेंड चीज, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है उसको, टेम्पोरल लोब से। टेम्पोरल लोब क्या क्या करता है, स्मेल, टेस्ट, सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, विसरल सेंसेशन। फिर क्या प्रोवाइड करता है, ऑडिटरी, उसके सब ऑडिटरी, ये सारे क्या फंक्शन है टेम्पोरल लोब के। फिर उसके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, एक बड़ा सा पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया है, ये पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया है, यहाँ इंफॉर्मेशन आती है कहाँ, यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है विजुअल एसोसिएशन एरिया से, फिर यहाँ से आती है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया से, फिर यहाँ से ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, हमारी विजुअल एसोसिएशन एरिया से, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया से, और सोमेटो सेंसरी एरिया से। ये क्या है हमारा, बेसिकली ये हमारा है पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया। उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, तीन जगह से आई, SSCC, सोमेटो सेंसरी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन एरिया, फिर आई कहाँ से, विसरल एसोसिएशन एरिया से, और तीसरी कहाँ से आई, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ये पूरी चीज, ये जो सारे इंफॉर्मेशन कहाँ है, पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया से, ये पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया सारे इंफॉर्मेशन किसको भेजता है, एमिग्डाला, और उसके बाद एमिग्डाला जज कर पाता है कि कौन सी चीज है, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आप यानी आप दुखी हो, खुश हो, आप डरे हुए हो। उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक सुनसान सड़क है, रात के 12 बजे है, मैं को सड़क पे चल रहा हूँ, तीन कुत्ते सामने आ गए, दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक कोई नहीं है,
तो अभी ये चीज में ऑब्वियसली मेरे को डर तो लगेगा ही, क्योंकि मेरे को कुत्तों से डर लगता है, और वो भी 3 कुत्ते हैं, तो डर तो लगेगा। तो मैंने देखा कुत्तों को, कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी, ठीक है, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी, कुत्ते के बड़े बड़े दांत देखे, और वो मेरे ओर आते हुए देखे, तो वो चीज में मेरे को क्या लगी कि डर लगेगी। तो वो डर में हमारे वो डर लगेगा, ठीक है, तो वो ऑन द वो डर लगेगा, तो मेरे जो पाथवे है एमिग्डाला को पता चल गया कि इसको अभी डर लग रहा है। वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं, और 2 न्यूक्लियाई होते हैं, उसमें एक का नाम है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करेगा, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई क्या हो गए मेरे में, एक्टिवेट हो गए, ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई मेरे में क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। अब क्या होगा, वो सिग्नल भेजेगा नीचे विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक स्पाइन हाइपोथैलेमो स्पाइनल ट्रैक से वो इंफॉर्मेशन, यानी वो सिग्नल्स भेजेगा नीचे, वो इंफॉर्म, और वो जो प्री साइनेप्टिक गैंग्लियंस होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा। वो प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक लंबर में। अभी वो प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन एक्टिवेट हो गए, और वो सिग्नल्स भेजेंगे वो साइनेप्टिक नर्व्स के थ्रू, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को टारगेट करेंगे। मेरे को भागना है, ठीक है, तो मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरा वो ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़वा देंगे लीवर को कह के। फिर मेरे को भागना है, तो मेरी हार्ट रेट ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो मेरी रेस्पी मैं मेरी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, फिर मेरे लंग्स का रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन, क्योंकि मैं भागूंगा तो इनफ ऑक्सीजन मैं सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचने चाहिए, तो मेरा रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया, और जो मेरे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियर क्या होता है, वो CRH होता है, यानी कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, वो स्टिम्युलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस में होता है, वो स्टिम्युलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू मेक द हार्मोन ACTH। तो जब भी ACTH को स्टिम्युलेट करता है, और ACTH हार्मोन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है, और एड्रिनल ग्लैंड क्या बनाता है, कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। यानी कुत्ते को देख के मैं डर गया, मैं भागूंगा तो मेरे को थोड़ा तो स्ट्रेस रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स में। वापस मैं आपको समराइज करता हूँ कि सुनसान सड़क थी, कुत्ते कुत्ते को देख के मैं डर गया, तो डरा, मेरे को कैसे पता चला कि ये कुत्ता है, तो मेरे ये जो सिस्टम है, जो सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, वो सारे इंफॉर्मेशन कहाँ ले गए, पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया, पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, एमेग्लेडा, एमेग्लेडा को इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, टेम्पोरल लोब से और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, ठीक है, ये एमेग्लेडा, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, एमेग्लेडा को इंफॉर्मेशन मिलती है, टेम्पोरल लोब से मिलती है, पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये एमेग्लेडा को पता चल गया कि अभी ये सिचुएशन में भागने जैसे, तो एमेग्लेडा ने एक्टिवेट किया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई और CRH, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो गए, उसने सिग्नल भेजा किसको, हाइपोथैलेमो स्पाइनल ट्रैक से उसने सिग्नल्स भेजे कहाँ, नीचे उसने सिग्नल भेजे, प्री साइनेप्टिक गैंग्लियंस एक्टिवेट हो गए, उसको स्टिम्युलेट किया, और वो प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन एक्टिवेट होके वो साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट थे, थोरेसिक लंबर में, थोरेसिक लंबर से वो साइनेप्टिक नर्व के थ्रू पर्टिकुलर्स ऑर्गन्स में गए, कि फियर वाली सिचुएशन थी, इसलिए मेरा ग्लूको लीवर ने क्या बढ़ाया, ग्लूकोज प्रोडक्शन, मेरी हार्ट रेट इंक्रीज हुई, हार्ट रेट इंक्रीज हुई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, और मेरा मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गई टू सप्लाई द इनफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन, ठीक है।
ये सारी चीजें कब होती है, जब आप, ये हमारी हो गई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट चीजें होती है। तो अभी हम इसका क्विक देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यानी द एमिग्डाला इज प्रीटी मच एपी सेंटर ऑफ लिम्बिक सिस्टम ऑफ योर इमोशंस एंड बिहेवियर, ठीक है। एमिग्डाला गेट टू नो द फियरफुल गेट टू नो यू आर फियरफुल, एंगर, रेज और सैडनेस, उसको कैसे पता चलेगा? दे नो बिकॉज द लिम्बिक सिस्टम इन कम्युनिकेशन विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स द डिफरेंट एरियाज इन ब्रेन आर देयर, बट अमंग देम वॉट इज इम्पॉर्टेंट इन लिम्बिक सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली, ठीक है। द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेकेंड है फिर टेम्पोरल लोब, और थर्ड है हमारा पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया। पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है? सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया से लेता है, या कॉर्टेक्स बोल लो, या फिर विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स या एरिया बोल लो, या और ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स बोल लिया या एरिया बोल सकते हो, ठीक है। एमिग्डाला रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दिस स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कम्युनिकेटिंग विद एमिग्डाला, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला कम्युनिकेशन में। तो नाउ यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन योर ऑडिटरी विजुअल सेंसरी एंड योर थॉट प्रोसेस। कुत्ता आया है तो मैं उसको सामने से जाके दोस्ती नहीं करूंगा, मैं भागूंगा ही। ये एक थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, मैं भागू या ना भागू या खड़ा रहूं, वो भी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाता है कि कुत्ते को देख के मैं भागू या ना भागू, वो मेरा डिसीजन है, ठीक है। टू हैव द एक्सपीरियंस द पर्टिकुलर इमोशन, मेरी इमोशन फियर वाली थी तो मैं भाग जाऊंगा, मेरे कुत्तों से इतनी दोस्ती नहीं है, मेरी पहले से इतनी फटती थी और अब तो तीन कुत्ते, तो मेरा डिसीजन भागना है, ठीक है। फ्रंट वेयर वी आर, इमोशन, पर्टिकुलर इमोशन, एंड देन द एमिग्डाला सेंड्स द सिग्नल्स टू द बंच ऑफ डिफरेंट एरियाज। मेनली हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टू मेन एरिया, स्ट्राया टर्मिनालिस एंड फॉर्निक्स। दे बोथ सेंड द सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस, सेंड द सिग्नल्स द हाइपोथैलेमस एंड सेप्टल एरिया, एंड दिस इज हाउ यू जनरेट द लॉट्स ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल यही है, यू आर वॉकिंग इन स्ट्रीट अलोन अराउंड 12 AM एंड सडनली द डेंजरस डॉग केम्स एंड यू हर्ड दैट, ठीक है। और इसका जो हमने न्यूक्लियस वाला किया था, तो एमिग्डाला कम्युनिकेट्स विद हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ स्ट्राया टर्मिनालिस और वेंट्रल एमिग्डालोफ्यूगल पाथवे, एंड हाइपोथैलेमस द टू मेन न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई सेंड द डिसेंडिंग एक्सॉन्स यानी सिग्नल्स टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमो स्पाइनल ट्रैक्ट एंड इनर्वेट द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स लोकेटेड विद इन द थोरेकोलंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द साइनेप्टिक नर्व्स गोज आउट टू द पर्टिकुलर ऑर्गन्स। लिवर इंक्रीजेस द ग्लूकोज प्रोडक्शन, हार्ट रेट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर्स एंड लंग्स इंक्रीजेस द रेस्पिरेटरी रेट। ऑल दिस आर ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर इमोशंस। सी एंड सेकेंड थी न्यूक्लियर हमारी CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन, स्टिम्युलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू मेक दी हॉर्मोन ACTH, एंड ACTH सिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड टू मेक दी कॉर्टिसोल, एंड कॉर्टिसोल इन्वॉल्व्स इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो और कमेंट लिखो, या फिर मेरे को ईमेल करो, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को DM, ठीक है। अब हम आते हैं बिहेवियरल, बेसिक तीन टाइप के हमारे पास बिहेवियर होल बिहेवियर्स मेथड्स होता है। फर्स्ट होती है एक फीडिंग, सेकंड होती है सेक्सुअल, और थर्ड हमारे पास होती है क्या, मोटिवेशन, ठीक है। फीडिंग बिहेवियर, आप जैसे कि आपने सुना होगा
तारक मेहता में गोली नाम का एक कैरेक्टर है, मेरा फेवरेट शो है तारक मेहता, सब टीवी पे आता है। तो उसमें वो गोली नाम का एक कैरेक्टर है, वो पता है एक चीज बोलता है कि मैं जब भी टेंशन में होता हूँ तो मेरी भूख बढ़ जाती है। उसके पापा डॉक्टर हंसराज हाथी भी यही बोलते हैं। क्यों बढ़ जाती है? उसका रीजन पता है, बिकॉज ऑफ द लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। वो क्या करता है पता है, जब भी आपको एमिग्डाला को पता चला कि आप दुखी हो, आप सैड हो या आप डिप्रेस्ड हो, तो कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा लगता है कि यार भूख नहीं खाना, भूख नहीं लग रही, ये ऐसा कुछ होता है। पता है हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो उसकी एक मेन साइन है कि हमारी जो मनपसंद चीज है ना, इवन वो भी खाने का पसंद नहीं आती, तो वो चीज क्या शो करती है कि आप डिप्रेशन में हो। तो वो कैसे पता चलता है? एमिग्डाला सिग्नल किसको भेजता है? हमारे वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियाई को वो सिग्नल भेजता है। तो वो आपके दुख में या आप कभी भी हो तो वो सेटाइटी शो करता है, यानी आपको खाने की इच्छा नहीं होती, यार होती है तो बहुत कम होती है, ये सारी चीज होती है। तो वो हमारे उस सिचुएशन में क्या हो गई, जब हमको टेंशन होता है, डिप्रेस होता है या ऐसा कुछ होता है तो हमको खाने की इच्छा नहीं होती, तो जो एमिग्डाला है वो भेजता है सिग्नल किसको, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कौन सी न्यूक्लियाई एक्टिवेट करता है? वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस वो एक्टिवेट करता है, तो हमको भूख नहीं लगती। बट वही हम ये और वही चीज जब वो गोली या डॉक्टर हंसराज हाथी में होती है, तो जो जब भी टेंशन में होते हैं या जब भी वो लोग टेंशन में होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं या फिर कभी भी होता है इन शो, तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो गई। जो लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो गई तो वो क्या करती है, हमारी हंगर बढ़ा देती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द करंट इमोशनल स्टेट मे बी यू आर सैड, यानी इधर हमने एग्जाम्पल लिया है कि आप दुखी हो, इन सैड सिचुएशन ऑल यू वॉन्ट टू डू इन जस्ट ईट योर पेन एंड सरो, आप सारे अपने दूर दर्द सब आप अपने साथ ही रहना चाहते हो, किसी को देना नहीं चाहते क्योंकि किसी और को आप दुखी नहीं करना चाहते। एंड नाउ द सिग्नल गोज फ्रॉम एमिग्डाला टू टू न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, वन न्यूक्लियाई इज वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई इज इन्वॉल्व इन सेटाइटी, सेकेंड वन इज लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन हंगर, मे बी यू आर सैड और डिप्रेस्ड, ऑल यू वॉन्ट टू जस्ट ईट फूड, आपको खाना खाना है, टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, कुछ कुछ भी हो गया। सेकेंड चीज विच लीड द एमिग्डाला एक्टिव द लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, वो क्या करता है, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो जाती है। उसमें लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एक्टिव है इसलिए आप खाना खा पाते हो ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा, और मे बी यू आर इन बैड मूड, यू डोंट फील गुड, तो यू डोंट लाइक टू ईट एनीथिंग इन दैट सिचुएशन। तो उसमें कौन सी न्यूक्लियस है, हमारी वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, अदर स्पेलिंग मिस्टेक है, वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस इज एक्टिवेटेड बाय एमिग्डाला। ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको कोई मोटिवेट करे सेक्स करने के लिए, तो आपका मूड नहीं है सेक्स करने का, बट आपको सेक्स करने का मूड हो जाए, आप सबसे ज्यादा मास्टरबेशन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपके ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो न्यूक्लियाई होती है हाइपोथैलेमस की, वो आपके साथ क्या करती है, प्ले करती है, उसकी वजह से आपका सबसे ज्यादा मास्टरबेशन बढ़ जाता है, आपका क्या बढ़ जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है। आपको आप एक्टिव नहीं हो बट ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आप मेरे से बेटर समझ सकते हो, वैसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है आसपास, तो आपका ऑटोमेटिकली मन हो जाता है सेक्स करने का। ठीक है, तो वो दो मेन न्यूक्लियाई क्या है, एक हमारे न्यूक्लियाई प्री वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये प्री वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करती है पता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। आप सबको पता होगा ऑक्सीटोसिन फीमेल में क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और आफ्टर बर्थ डिलीवरी द ऑक्सीटोसिन डू द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल, बट यू नो व्हाट दे विल डू फ्रॉम इन मेल,
दे डू वो बेसिकली क्या करते हैं, मतलब हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, हमारी सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाते हैं, ऑक्सीटोसिन, वो हमारे ऑर्गेजम्स को करता है। ऑर्गेजम्स बेसिकली आफ्टर आपने एक बार आपका पेनिस एंटर हो गया वेजेना में, आपका जो मच मच डीपर जाता है, और वो जो फीलिंग देता है वो मेल को कौन देता है, ऑक्सीटोसिन फीलिंग देता है। आप बेटर है गूगल ज्यादा कर लो, मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, बट आप गूगल कर लो। वो ऑर्गेजम्स करता है, वो आपका वेजाइना में एंटर हो गया पेनिस, और फिर वो मच मच डीपर जाता है, और वो जो फीलिंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेजम्स बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा है मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, वो दूसरा क्या है हमारा मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, वो बेसिकली क्या करता है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग न्यूक्लियस है। वो क्या करता है बेसिकली मेल के टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, और मेल के टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो सेक्सुअल ड्राइव में भी हेल्प करता है। और ये जो हमारा प्री वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है तो वो मच मच डीपर जाता है, तो आपका इरेक्शन होना ज्यादा जरूरी है। वो इरेक्शन कैसे हो पाता है कि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो का रेट है वो बढ़ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द करंट इमोशनल स्टेट द एमिग्डाला गोइंग टू एक्टिवेट द टू न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड दिस टू न्यूक्लियाई हेल्प्स योर सेक्सुअल एक्टिविटीज। द प्री वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई रिलीज द ऑक्सीटोसिन इन फीमेल, दे यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन इसके फंक्शन है, एंड मेल्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेजम्स एंड सेक्स ड्राइव इंक्रीज द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो ऑफ द ऑर्गन। मेडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया रिलीजेस द गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एंड इट स्टिम्यूलेट द मेल टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल्सो द टेस्टोस्टेरोन कैन इंक्रीज योर सेक्सुअल ड्राइव। अभी हमारा बात हम अभी हम बात करते हैं मोटिवेशनल बिहेवियर। मोटिवेशनल बिहेवियर क्या होता है बेसिकली? मोटिवेशनल बिहेवियर मैं बोल सकता हूँ कि बाय द हेल्प ऑफ द एमिग्डाला, बाय द हेल्प ऑफ एमिग्डाला सेंड्स द सिग्नल टू द सेप्टल एरिया एंड टू द सेप्टल एरिया एंड हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैट टर्मिनालिस और वेंट्रल एमिग्डाला फ्यूगल पाथवे। उसमें क्या होता है पता है कि आपका सेप्टल एरिया और हाइपोथैलेमस दोनों मिलके वो इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजते हैं, सेप्टल एरिया और हाइपोथैलेमस दोनों मिलके वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हमारे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। और हमने कल बात की थी हमारा सॉरी फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया क्या है, वहां पे हमारा डोपामिन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे हाई है। और डोपामिन क्या करता है पता है, अपने को स्टिम्युलेट करता है, यानी ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे बॉडी में जब भी डोपामिन का रिलीज होता है तो वो हमारे को क्या देता है, एज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। जब भी हमने लाइफ में पहली सिगरेट जलाई होगी घर वालों से छुप के, और अब हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो हमारी बॉडी में जो फीलिंग आती है ना पहली सिगरेट पीने के बाद, और वो भी घर पे जाने घर पे हम गए और किसी को पकड़ा नहीं गया, तो जो फीलिंग है ना वो कोई अलग फीलिंग है, और वो क्या स्टिमुलेट करती है डोपामिन, और आपको बोलती है कि भाई अभी तू नहीं पकड़ा जाएगा, तू ये सारी चीज तू ये चीज कर। वो आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड। आपको क्या और आपके दोस्तों से क्या मिलता है कि भाई ब्रो यू आर दी नाउ मैन, यू आर दी मैच्योर, ये सारी चीज क्या करती है आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज करती है। और डोपामिन रिलीज होता है तो आपको क्या मन लगता है, यार मैं ही हूँ जिंदगी में, मैं ही बाप हूँ, मैं ही बॉस हूँ, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, आपको ये लगता है। ये चीज और ये सारी चीज आपको डोपामिन फील करवाता है, आपको इनर हैप्पीनेस देता है, आपको लगता है मेरे से ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है वो क्या है? ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया भी इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि इसको दो चीजों को भेजेगा, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वाया वाया मीडियल कॉर्टल ट्रैक्ट, और वो एक भेजेगा इन्फॉर्मेशन किसको, न्यूक्लियस एम्बुलेंस को वाया मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वाया मीजोलिम्बिक पाथवे, और वो भेजेगा किसको, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसा सिग्नल भेजेगा, मीजोकॉर्टिकल पाथवे से। ठीक है,
और ये दो एरिया के इसमें होता है कि भाई रिवॉर्ड के फॉर्म में, ये कैसा एरिया होता है कि ये रिवॉर्ड के फॉर्म में ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रग अब्यूज और सब्सटेंस अब्यूज केस इन दिस सिचुएशन मे बी द सम यूटिलाइजिंग द ड्रग इट कैन ब्रिंग अबाउट द सेंस ऑफ यूफोरिया यानी इंटेंस एक्साइटमेंट। एमिग्डाला सेंड्स अ सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस प्लस रिसेप्टर एरिया बाय स्ट्राया टर्मिनालिस और वेंट्रल एमिग्डाला फ्यूगल पाथवे फ्रॉम सेप्टल एरिया एंड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। दे बोथ कैन कम्युनिकेट विद वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड लोकेटेड विद इन योर ब्रेन स्टेम। द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया इज स्पेशल फॉर हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन इज फाउंड हियर एंड वेंट्रल टेगमेंटल एरिया सेंड्स द डोपामिनर्जिक न्यूक्लियर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स टू द टू न्यूक्लियाई। वन इज द न्यूक्लियस एम्बिलियंस वाया मेसोलिम्बिक पाथवे। याद रखना मैं भूल जाता हूँ बार बार इसका नाम, आप खुद भूल जाओ नाम। मेसोलिम्बिक पाथवे एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाया मीजोकॉर्टिकल पाथवे। एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कैसे भेजता है वाया मीजोकॉर्टिकल पाथवे। दिस टू एरियाज आर इन्वॉल्व्ड इन सेंस ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, अब आज हमारा लिम्बिक सिस्टम यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। कल से हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो लिम्बिक सिस्टम में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट आप मेरे को ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, और आपको विद इन 24 आवर्स में गेट बैक करूँगा। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर से बताइए। थैंक यू सो मच।